News 22 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। तो आइए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। काशीपुर में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल काशीपुर में वार्ड नंबर 30 के पूर्व पार्षद विपिन शर्मा पप्पी के रिश्तेदार मनोज शर्मा के दो बेटों में सबसे बड़े हर्षित शर्मा उर्फ गुड्डू ने देर रात अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुड्डू अपने पिता मनोज शर्मा के साथ दिल्ली से टीवी और डिश का रिमोट लाने का काम करता है। बीती रात 11 बजे तक गुड्डू घर के बाहर बैठा हुआ पाया गया था। उसके बाद देर रात लगभग 1 बजे के लिए उसकी मां ने गुड्डू को फांसी पर लटके देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में परिवार वालों ने आसपास के लोगों के साथ पुलिस को इसकी सूचना दी। आनन फानन में हर्षित को निजी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक अर्शद उर्फ गुड्डू के शव को कब्जे में लेकर उसका पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। काशीपुर उत्तराखंड से News 22 इंडिया के लिए एफयू खान की रिपोर्ट। देखिए, कल देर रात्रि सूचना आई थी कि आवास विकास निवासी एक हर्षित शर्मा है, सन ऑफ मनोज शर्मा, इनके द्वारा फांसी लगा ली गई थी। उम्र इनकी लगभग 18-19 वर्ष है। और उसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची तो ये हॉस्पिटल ले जाया गया था ना, लेकिन ये मृत घोषित किए जा चुके थे। ये नहीं पता चल पाया कि क्यों उन्होंने फांसी लगाई है, किंतु उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 22 इंडिया। खबर भी, असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।